आज अपने पास है मर्सिडीज EQS 580 4MATIC AMG लाइन। दोस्तों आज इस वीडियो के थ्रू आज आपको पता चलेगा ये गाड़ी में आपको कितनी रेंज मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये ईवी व्हीकल है। ईवी व्हीकल में हम क्यों करते हैं कि हमको रेंज ज़्यादा मिले और फीचर भी हमें इस गाड़ी में भरपूर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो आपको आज इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा। अगर आप EQS लेने का पूरा प्लान बना चुके हो तो बाई प्लान आपका सक्सेस करने से पहले ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज आपको बहुत सारे फीचर्स पता चलेंगे और इस गाड़ी के बारे में हम जानेंगे कि ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जर्मनी, इंडिया और थाईलैंड में इस गाड़ी की असेंबली होती है और इसमें 107 किलोवाट की आपको लिथियम बैटरी मिल जाती है, जिसमें आपको 8 ईयर्स की वारंटी मिलती है और अनलिमिटेड किलोमीटर आप चला सकते हो। और अगर पूरी गाड़ी की बात करें, पूरी कार की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको 3 ईयर्स की वारंटी मिलती है। भाई अगर पावर की बात करें तो 516 एचपी का पावर मिल जाता है और 855 एनएम का टॉर्क मिल रहा है। 0-100 4.3 सेकंड में पहुंच जाती है और टॉप स्पीड की अगर बात करें तो 210 किलोमीटर की इसकी टॉप स्पीड आपको मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं रेंज की। भाई एक सिंगल चार्ज में ये कितना चलेगी तो मैं आपको बता देता हूँ, 857 किलोमीटर की इसकी रेंज मिलने वाली है आपको। अब ये इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई, तो चलिए कार के बारे में बात कर लेते हैं, फ्रंट फेस के बारे में जान लेते हैं क्या कुछ खास हमें यहाँ पर मिलने वाला है। भाई फ्रंट फेस बहुत ही जबरदस्त बनाया गया है। जब इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी तब इस गाड़ी का सबसे ज्यादा एरोडायनामिक शेप सभी मॉडल्स से ज्यादा देखा गया है, तो सबसे एरोडायनामिक शेप आपको इस गाड़ी में मिल रहा है। अब फ्रंट फेस की अगर बात करें तो फ्रंट ग्रिल आप देखिए मर्सिडीज स्टार्स आपको मिल जाता है, मर्सिडीज का लोगो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है फ्रंट, यहाँ पर आपको मर्सिडीज बेंज का लोगो मिल जाता है। थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्रोम का ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर दिया गया है और ये जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हो पूरी ही गाड़ी में जहाँ पर भी आप ब्लैक पार्ट देख रहे हो ये पूरा ही ग्लॉस ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर इसके आपको सेंसर मिल जाते हैं, तो फ्रंट पार्किंग कैमरा और सेंसर दोनों ही आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हेडलाइट्स की, तो यहाँ पर आपको डिजिटल हेडलाइट 3 पावरफुल LED 1.3 मिलियन माइक्रो 650 मीटर की रेंज आपको यहाँ पर दी हुई है। और बात करें इसके हाई बीम असिस्ट प्लस जैसा फीचर आपको इस हेडलाइट्स में दिया गया है। अब आ चुके हैं साइड प्रोफाइल में। सबसे पहले आप गाड़ी की लेंथ दे सकते हो, 5.2 मीटर की इसकी लेंथ आपको यहाँ पर दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अलॉय व्हील से। यहाँ पर अलॉय व्हील का जो डिजाइन है आप देख सकते हो कि किस गाड़ी से इसे इंस्पायर किया गया है, तो कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पर आपको पिरेली का टायर मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 5 स्पोक एरोडायनामिक ऑप्टिमाइज्ड लाइट व्हील अलॉय व्हील दिया गया है। गाड़ी टोटल 5 कलर्स में आती है, ब्लैक, ग्रे, व्हाइट, सिल्वर और सोडा लाइट कलर, ये रहा आपके सामने। तो चलिए जानते हैं इस गाड़ी की एक और एक इंटरेस्टिंग चीज। अगर आप इसका बोनेट ओपन करना चाहोगे तो ये ओपन नहीं होगा, पूरा ही पैक आपको दिया गया है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि यार जब मुझे इस गाड़ी का जो वॉशर है, वॉशर फ्लूइड अगर मुझे रिफिल करना है तो कहाँ से होगा, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ से आप इसका वॉशर है वो रिफिल कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना पानी डाल के इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाता है। फ्रंट विंडशील्ड काफ़ी ब्रॉड रखी गई है, काफ़ी लेंथ तक इसे ऊपर तक ले जाने की कोशिश रखी गई है, जिसकी वजह से आपको बेटर विजिबिलिटी मिले। अंदर बैठ के भी एक बार देखेंगे कि हमें कितनी बेटर विजिबिलिटी इस गाड़ी में दी गई है। यहाँ पर EQS की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये जो ब्लैक एरिया अगर आप देख रहे हो यहाँ पर आपको पियानो बैक फिनिशिंग का यूज़ किया गया है, और ऊपर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सिल्वर क्रोम का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो साइड प्रोफाइल है बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। बात कर लेते हैं ओवर व्यूम्स की, तो यहाँ पर ऑटो फोल्डेबल, ऑटो एडजस्टेबल और यहाँ पर आपको टर्न ऑन इंडिकेटर, 360 डिग्री कैमरा, ये जैसे सारे ही फीचर्स आपको यहाँ पर ओवर व्यूम्स में मिल जाते हैं। अगर आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हो तो यहाँ पर आपको ओवर व्यूम पे भी एक ड्राइवर इंडिकेटर आ जाता है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी साइड से कोई गाड़ी निकलने वाली है या आ रही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो फ्लश डोर टाइप आपको यहाँ पर हैंडल मिल जाते हैं, बस आपको बस ऐसे टच करना होता है और ये रहा आपका डोर हैंडल बाहर की तरफ आ जाता है और उसके बाद आप इसे बंद कर सकते हो। तो एक चीज़ आपने देखा होगा, जब मैंने इस डोर को ओपन किया तो आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर फ्रेमलेस डोर दिया गया है। जैसे ही इस डोर को मैं ओपन करता हूँ तो ये विंडो नीचे चला जाता है, और जैसे ही मैं इसे लॉक करता हूँ तो ये विंडो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। तो आप ध्यान से देखो, ये हो गया ऑटोमेटिक लॉक। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्रोम ट्रीटमेंट का यूज किया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी काफी ब्यूटीफुल लगती है और काफी प्रीमियम देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, तो अच्छा खासा विजिबिलिटी का आप मजा ले पाएंगे। अंदर बैठने के बाद भी आपको दिखाऊंगा कि अंदर क्या कुछ खास फीचर्स आपको मिलने वाले हैं।
अंदर जाने से पहले आपको रियर साइड दिखा देते हैं कि भाई रियर में हमें क्या कुछ चीजें मिलने वाली है। अब आ चुके हैं रियर प्रोफाइल में, तो चलिए शुरू करते हैं रियर प्रोफाइल में क्या कुछ चीजें हमें यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले आपको देख सकते हो यहाँ पर हाई मोस्ट स्टॉप लाइट दी गई है, रियर डिफॉगर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, बहुत ही स्पोर्टी स्पॉइलर आपको यहाँ पर दिया गया है। टेल लाइट अगर आप देखोगे तो पूरी ही कनेक्टिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है, लो लाइट में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आपको लगने वाली है। बीच में आपको मर्सिडीज का लोगो मिल जाता है, EQS 580 की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ पर आपको रियर रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में AMG वर्ड का यूज किया था, तो यहाँ पर आपको AMG का एक डिजाइन भी मिल जाता है। रियर पार्किंग, यहाँ पर आपको सेंसर भी दिए गए हैं। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको कैमरा नहीं मिलने वाला, अगर आप रिवर्स मोड शिफ्ट करते हो तो इसके नीचे से आपको यहाँ पर इसका कैमरा मिल जाता है। अब भाई जैसे कि मैंने एक ही टच किया उसका बूट ओपन हो गया, तो यहाँ पर आपको 610 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे आपको रियर कर्टन भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको टूल किट मिलने वाली है, यहाँ पे आपको नेट पैकेट मिल जाता है। इसके नीचे ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको आपका स्टेपनी मिल जाता है, जो कि आपको 19 इंचेस की मिलने वाली है, यानी नॉर्मल टायर्स की अगर बात करें जो बाहर लगे हुए गाड़ी में वो 20 इंचेस के है, और ये आपको 19 इंचेस का मिलने वाला है। तो चलिए बूट बंद कर देते हैं। तो एक प्रेस करना होता है हमें, जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो ये बूट इसका क्लोज हो जाता है, और एंटी पिंच फंक्शन के साथ भी आता है, जैसे किसी का हाथ लग जाए तो भाई ये यहाँ पर रुक भी जाता है। तो ये सेफ्टी फीचर बहुत ही बेटर है और बहुत ही क्विक इसका रिस्पॉन्स है। तो चलिए एक बार दोबारा से इसे बंद कर देते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं इंटीरियर कैसा है इस गाड़ी का, बहुत ही खास फीचर्स इस गाड़ी में डाले गए हैं, तो चलिए दिखाते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो भाई गाड़ी के अंदर जाने से पहले जान लेते हैं क्या कुछ खास फीचर्स आपको इस गाड़ी में दिए गए। बेहतरीन रोड होल्डिंग और ज़्यादा एजिलिटी के लिए 4-व्हील स्टेयरिंग है, और 10-डिग्री स्टेयरिंग एडजस्टमेंट, और साथ ही में एयरमेटिक एयर सस्पेंशन आपको दिए गए हैं। 25 mm तक इस गाड़ी की आप हाइट रेस कर सकते हो। 2 ईयर्स 30,000 किलोमीटर पर इस गाड़ी की सर्विस होती है। लो वाइब्रेशन स्पेशल कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं, जिसके वजह से कैबिन के अंदर कोई भी नॉइज़ आपको नहीं मिलने वाली, बिल्कुल ही साइलेंट कैबिन आपको यहाँ पर दिया गया है। एक्टिव पार असिस्ट आपको दिया गया है। ऑटोमेटिक पार्किंग के लिए 24x7 मोबिलिटी सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। सेफ्टी की बात करें तो एयरो एनकैप में 5 में से 5 स्टार रेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। 9 एयरबैग मिल जाते हैं आपको, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, एक्टिव स्टेयरिंग असिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, TPMS एक्टिव लेन डिपार्चर असिस्टेंस आपको दिया गया है। मर्सिडीज ऐप में कनेक्ट से आप अपने फ़ोन से ही गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप यहाँ से लॉक डोर अनलॉक कर सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, सनरूफ को कंट्रोल कर सकते हैं, अंदर का AC ऑन ऑफ कर सकते हो, जियो फेंसिंग कर सकते हैं, व्हीकल अलर्ट कर सकते हैं, व्हीकल GPS तक सारी ही चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने ही फ़ोन से। भाई जैसे ही इस गाड़ी के अंदर आओगे तो अंदर आने से पहले मैं एक बार डोर्स पे दिखा देता हूँ कि डोर्स पे क्या कुछ खास फीचर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको फ्रेमलेस डोर मिल जाता है, और ये आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप डोर पे ऊपर लेदर जेन्युइन लेदर का यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसमें आपको स्टिचेस दिखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा नीचे तो रोज़ गोल्ड कलर आपको मिल जाता है। मेमोरी सीट के आपको फंक्शन मिलते हैं, 3 memory seats आप यहाँ पर मिल जाती है आपको। लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये पार्ट पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ मिल जाता है। यहाँ पर सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी पूरा सॉफ्ट टच है, सॉफ्ट मटेरियल मिलता है, थोड़ा हार्ड भी मिलता है। यहाँ पे बूट ओपन करने का बटन मिल जाता है, यहाँ पर वुडन फिनिशिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको स्पीकर की लोकेशन दी गई है। ओवरऑल कुछ इस टाइप का लगता है, डोर काफ़ी प्रीमियम लगता है। आप आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और चलिए जान लेते हैं स्टेयरिंग व्हील के बारे में। सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील को अगर देखोगे तो पूरा ही व्हाइट कलर का डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाता है, बीच में मर्सिडीज का लोगो मिल जाता है। भाई बहुत सारे बटन से बहुत सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। यहाँ पर आपको हैंडल पर ग्रिप मिल जाती है, तो भाई ये ड्राइविंग के टाइम भी आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने वाला है, अच्छी खासी ग्रिप आपके हाथों को मिलने वाली है। कई बार कुछ लेदर ऐसा होता है जिससे हमारे हाथ स्लीपी हो जाते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली। अगर यहाँ पर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में कौन कौन से कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल है। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे तो वॉल्यूम के और स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल के यहाँ पे आपको बटन दिए गए हैं। यहाँ पर राइट साइड में जो बटन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ये इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी के डायल्स मिल जाते हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को आप
चेंज कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, यहाँ पे क्लासिक मिल जाता है, मैप नेविगेशन मिल जाता है और असिस्टेंट मिल जाता है और सर्विस जैसे ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने की मिलती है। इस गाड़ी में आपको पार्किंग असिस्ट मिल जाता है, ये बटन जैसे प्रेस करोगे तो गाड़ी को आप आसानी से पार्क कर पाओगे। अब आप बात कर लेते हैं भाई, अगर डैशबोर्ड की अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो इस गाड़ी में पूरी ही आपको एंड तक स्क्रीन ही मिल रही है, तो यहाँ पर आपको 56 इंचेस की हाइपर स्क्रीन मिल रही है। बहुत ही बड़ा, बहुत ही ह्यूज इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपने देखा होगा। और हाँ, सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको गाड़ी की पूरी डिटेल्स मिल जाती है, व्हीकल, लाइट, सिस्टम इंफॉर्मेशन, फिर आप कैमरा आप यहाँ से देख सकते हो, कैमरा की सेटिंग कर सकते हो, या पार्किंग के लिए आप यूज कर सकते हो। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 3D मैप नेविगेशन मिल जाता है, तो भाई ये चीज बहुत ही ज्यादा बेटर लगने वाली है। देखो अब हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ से आप अपनी गाड़ी को जूम आउट जूम इन भी कर सकते हो, पूरा ही मैप यहाँ पर देख सकते हो जो कि बहुत ही एक्यूरेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोबारा से होम पे चलते हैं। अब भाई बात कर लेते हैं इस गाड़ी के कंफर्ट की, तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर मसाज लिखा हुआ है और मसाज में भी काफी सारे फीचर्स आपको दिए गए, क्लासिक मसाज, रिलैक्सिंग मसाज, डीप वर्कआउट। तो भाई इसके बाद हम चलते हैं सीट कंफर्ट पे, तो यहाँ पर आप इस गाड़ी में हीटिंग और वेंटिलेट सीट, लंबर सपोर्ट, साइड ब्लास्टर्स, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर साइड में देखते हैं तो यहाँ पर एम्बिएंट लाइट आपको दी गई है, पूरी ही गाड़ी में आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है और मल्टी कलर के साथ आती है, 64 एम्बिएंट कलर लाइट मिलती है और इसमें बहुत सारे इफेक्ट भी आपको दिए गए हैं और काफ़ी कलर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो भाई इस गाड़ी में आपको एक लग्जरी फील आने वाला है, बहुत ही बेटर महसूस करोगे जब आप इस गाड़ी में बैठोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मर्सिडीज EQ, ऐप, सेटिंग, कंफर्ट, फोन, रेडियो, मीडिया, इंफॉर्मेशन और स्मार्टफोन और एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड जैसे सारे ही फीचर्स आपको मिलते हैं। यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आप नीचे आ जाते हो तो ये भाई सेंट्रल कंसोल, अगर आप ध्यान से देखोगे आप इसे पीछे करके थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, दो कप होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये कंसोल अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर पूरा ही टच कंसोल आपको मिलता है, स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको हेडसअप डिस्प्ले के फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख के भाई सारी चीज़ें कर सकते हो, देखो स्नो चेंज अगर लगाना है आपको और रेस व्हीकल लेवल आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे तो स्टेयरिंग असिस्ट आपको दिया गया है, कीप लेन असिस्ट आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आपको पार्कट्रॉनिक फीचर मिल जाता है और सबसे बेस्ट फीचर मुझे ये लगता है रेस व्हीकल लेवल। जैसे ही आप इस पे जाते हो तो भाई अपनी गाड़ी का जो हाइट है वो आप बढ़ा सकते हो, तो ये चीज़ काफ़ी बेटर लगती है। यहाँ पर इस गाड़ी की पूरी सेटिंग आपको मिल जाती है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक फीचर मिलता है, तो यहाँ पर आपको एक टच सेंसर मिलता है, जिस तरीके से हम अपने लैपटॉप का माउस यूज़ करते हैं उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको टोटल दो डिस्प्ले मिल जाती है, सेंट्रल कंसोल में जो ड्राइवर यूज़ कर सकता है और जो लेफ्ट साइड में अगर कोई बैठेगा तो यहाँ पर को पैसेंजर साइड का जो पर्सन बैठेगा उसके लिए यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है, तो ये भी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर म्यूज़िक और म्यूट का बटन दिया गया है और यहाँ पर आपको जैसे ही ये बटन आप प्रेस करते हो तो अपना पार्किंग कैमरे शुरू हो जाते हैं पूरी गाड़ी के, 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ पर इस गाड़ी में दिया गया है। यहाँ पर पूरा ही सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया है, जेन्युइन लेदर का यूज़ किया गया है, यहाँ पर वुडन फिनिशिंग आपको मिल जाती है, तो काफ़ी प्रीमियम आपको यहाँ पर इंटीरियर मिल जाता है। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे तो आपका आर्मरेस्ट ओपन हो जाता है, यहाँ पर भी आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं और काफ़ी डीप आपको यहाँ पर मिल जाता है। सेंट्रल कंसोल के नीचे भी एक बहुत बड़ी स्पेस हमको यहाँ पर मिल जाती है, तो यहाँ पर भी हम काफ़ी सामान कैरी कर सकते हैं और यहाँ पर भी मुझे टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, वो भी दो। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मुझे पर्सनल डिस्प्ले दिया गया है जो को पैसेंजर साइड में लगाया गया है, ये जो चीज़ है वो यहाँ पर बैठने के बाद ही एक्टिवेट होती है। तो जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर सारे ही फीचर मिल जाते हैं, मतलब जो चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल रही थी वो सारी ही चीज़ें मुझे यहाँ पर दी गई है। भाई इस गाड़ी में इतने स्मार्ट फीचर मिलते हैं आपको, ये डोर्स पे अगर आप देखोगे या एसी वेंट पे देखोगे, जैसे ही इस गाड़ी का टेम्परेचर मैं लो करता हूँ तो भाई इसका कलर ब्लू हो जाता है और जैसे ही मैं इसे बढ़ाता हूँ तो भाई जो अंदर का इंटीरियर में जो एम्बिएंट लाइट लगाए गए वो रेड हो जाता है, तो ये बहुत ही स्मार्ट फीचर रखे गए हैं। रिदमिक आपको यहाँ पर एम्बिएंट लाइट दी गई है, जैसे जैसे म्यूजिक बजेगा उस तरीके से इसके एम्बिएंट लाइट जो इसका मूड लाइट है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे एक खास फीचर मिलता है, सिंगल टच से मैं अपना सनरूफ ऑन और ऑफ़ कर सकता हूँ, बहुत ही प्यारा फीचर लगा और ये
अगर ये कंसोल की अगर हम बात करें तो बहुत ही प्रीमियम कंसोल आपको मिलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा ही पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ मिल जाता है। यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट के बटन मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको SOS का बटन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मर्सिडीज मी कनेक्ट का फीचर मिल जाता है। और जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हो तो यहाँ पर, और इस बटन को जैसे ही प्रेस करते हो तो इस गाड़ी की जो रीडिंग लाइट है ये, इसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाती है। भाई अगर बात करें इसके डैशबोर्ड की और फिट इन फिनिशिंग की तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाता है। दोनों ही डोर्स पर इसका डैशबोर्ड कनेक्टिंग आपको मिलता है। या भाई ये फर्स्ट टाइम मैंने ये फीचर देखा है, आपको ये चीज़ कैसी लगी भाई? इतना प्रीमियमनेस देखो, यहाँ पे आपको ट्विटर भी दिया गया है, पूरा ही कनेक्टिंग डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही क्लासी लगता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पर भी आपको लेदर फिनिशिंग मिलती है, ओरिजिनल लेदर का यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको रोज़ गोल्ड कलर मिल जाता है इंटीरियर में, और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो भाई यहाँ पर भी आपको वेंटिलेट सीट के बटन और ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर अपनी सीट को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट मिलता है, यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पर वुडन फिनिशिंग आपको यहाँ पर दी गई है, मैगजीन होल्डर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, पावर विंडो का कंट्रोल आपको यहाँ पर दिया गया है। अब हम आ चुके हैं रियर साइड में। भाई रियर साइड में भी पीछे पूरा ही ध्यान रखा गया है, मतलब रियर साइड में भी एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, नेविगेशन, मीडिया, एप्स, कंफर्ट, इंफॉर्मेशन, व्हीकल सेटिंग, जैसे सारे ही फीचर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। दोनों ही साइड में आपको यहाँ पर स्क्रीन मिल जाती है, तो भाई पीछे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर आपको रियर साइड में इंटरनेट एक्सेस भी मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको एसी वेंट मिल जाता है। और सेंट्रल कंसोल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एसी वेंट दिए गए हैं, यहाँ पर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एसी के सारे ही कंट्रोल दिए गए हैं। और लेफ्ट साइड में जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको टाइसी पोर्ट मिल जाता है, सबवूफर मिल जाता है, यहाँ पर आपको सनरूफ मिलता है, यहाँ पर आपको बीच में पिलर मिलता है, जिसकी वजह से सनरूफ को दो हिस्सों में रखा गया है। भाई अब आर्मरेस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं, मर्सिडीज EQ, ऐप, सेटिंग्स, कंफर्ट, फोन, रेडियो, मीडिया, इंफॉर्मेशन। आप चाहो तो इसे डिटैच भी कर सकते हो, और ये वायरलेसली चार्ज हो जाता है। यहाँ पर आपको रिमोट दिया गया है, तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर Amazon, Netflix, म्यूजिक, सारी ही चीज़ें आप इससे कंट्रोल कर पाओगे। और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर भी दिया गया है, तो आप यहाँ पर वायरलेस चार्जर के थ्रू अपना फ़ोन भी चार्ज कर पाएंगे। आपको ये फीचर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो भाई आपको ये गाड़ी खरीदने के लिए 1,62,00,000 रुपए खर्च कर रहे होंगे। दोस्तों ये इस गाड़ी का एक्सशोरूम प्राइस जो कि मैंने आपको बताया। अगर आप मेरा वीडियो नागपुर या नागपुर के आसपास कहीं से भी देख रहे हो तो नीचे दिए गए नंबर से सेंटर स्टार के यहाँ पर आके आप अपनी मर्सिडीज की कोई भी गाड़ी बुक कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप किसी गाड़ी के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, हम आपके लिए वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।